स्नैक्स बनाते हैं, चिकन क्रीमी कबाब बनाते हैं। तो जिसके लिए मैंने मिक्सर जार लिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल रही हूँ, थोड़ा सा पुदीना का पत्ता, सात आठ हरी मिर्च जिसको तोड़ करके मैंने डाल दिया, एक छोटा सा प्याज है इसको भी कट करके डाल दूंगी, सौ ग्राम बोनलेस चिकन लिया, इसमें डाल करके इसका फाइन पेस्ट बना लेना, पानी नहीं डालना है, ऐसे ही इसे पीस लेना है। मैंने चिकन को अच्छे से पीस लिया है, एकदम बारीक पीस चुका है, तो हमें इसी तरह से चाहिए। 2 टीस्पून भुना हुआ बेसन डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, ये कबाब थोड़ा सा स्पाइसी होता है तो ही मज़ा आता है खाने में, 1 टीस्पून कुटा हुआ लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 2 टीस्पून घी, 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून के जितना फ्रेश क्रीम और 1 टीस्पून लेमन का जूस। अगर फ्रेश क्रीम आपके पास में नहीं है तो आप मलाई का यूज़ कर लेना। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आधा घंटा हो गया है चिकन के कीमे में मसाला लगा करके फ्रिज में रखे हुए, तो चलिए अभी इसका कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। हाथ के ऊपर में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और आइसक्रीम का एक स्टिक ले लेंगे, इसमें इस तरह से करेंगे। अगर आपके पास में आइसक्रीम का स्टिक नहीं हो, आपके घर में जो भी चीज़ है आप उसी में इस तरह से कर लेना, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं करना है, छोटा छोटा ही हमें करना है, तो इस तरह से। और अभी इस तरह निकाल लेंगे आराम से। ये फ्राई पैन लिया, हल्का सा ऑयल का ब्रश कर दिया है और ये कबाब को बना बना करके इसके ऊपर में रख लेंगे। बहुत ही ईजी है बनाना, ज़्यादा सामान भी नहीं लगता है इसमें, आराम से आप फटाफट से बना सकते हैं। कोई गेस्ट भी आ जाएगा तो आप आराम से बना सकते हो इसे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स क्या करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। मैंने सभी कबाब को बना लिया है, तो चलिए इसे पहले स्टीम करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा बटर डाल करके हल्का फ्राई करेंगे। चूल्हे के ऊपर में मैंने फ्राई पैन को रख दिया है और इसे कवर कर देंगे, और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक इसका पानी पूरा अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए। इसे पकने देती हूँ, चलिए जब तक हम लोग इसके लिए चटनी बना लेते हैं। मिक्सी जार ले लिया है, इसमें पुदीना पत्ता और धनिया का पत्ता डाल रही हूँ, 2-3 कली लहसुन का छोटा सा टुकड़ा अदरक, 3 हरी मिर्च, थोड़ा सा करी का पत्ता, 2 टीस्पून के जितना फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ। अगर फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप सिर्फ दही का यूज़ करना, मैं दही और फ्रेश क्रीम दोनों का यूज़ कर रही हूँ। 2 टीस्पून मैंने फ्रेश क्रीम डाल दिया और 1 टीस्पून दही डाल रही हूँ, और इसी में 2 से 3 टीस्पून मायोनीज डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, नमक ज़्यादा नहीं डालना है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है मैंने। इसको मैं पीस ले रही हूँ, चटनी को मैंने पीस लिया है, और इसी में 1/2 नींबू का रस डालती हूँ। तो चलिए चटनी बन करके रेडी हो गया है, तो चलिए कबाब को देख लेती हूँ। कबाब का पानी अच्छे से सूख गया है, मैंने इसे बीच में टर्न कर दिया था, और ये 1 टीस्पून बटर डाल देंगे इसी में। फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम पे करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्राई कर लेंगे। मैंने बटर का यूज़ करा है, अगर आप बटर यूज़ नहीं करना चाहते हो तो फिर ऑयल में भी कर सकते हो या थोड़ा सा घी भी डाल सकते हो। मैंने गैस को बंद कर दिया है, लीजिए गर्मा गर्म मलाई चिकन कबाब बन करके रेडी है, बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही सॉफ्ट बना है ये, ट्राई कीजिए अभी, बहुत ही इजी है बनाना, आराम से बन जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।